जय हिंद दोस्तों। हरियाणा डेयरी वर्ली गांव करनाल हरियाणा में पड़ता है। कुलदीप जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम इनकी स्वभाव की बहुत तारीफ किया करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बात भी बताते हैं, ये किताब जिसने नया शुरू करना है उसके लिए बहुत अच्छी है, उसमें आदमी डॉक्टर बन जाएगा। तो इन लोगों ने सब बता रखा है इसमें, सारे जो अच्छे ये लोग पूरे ज्ञानी है, जिन्होंने हजारों गाय अपने हाथ से बेच दी है, तो उससे ज़्यादा ज्ञान किसको हो। तो सब जो इन्होंने बताया हमें कि कौन सी बीमारी के कौन से लक्षण होंगे, क्या उसके कारण बनेंगे और कैसे ठीक होगी, वो सब इसमें लिखा हुआ है। बहुत काम की चीज़ है। और कुछ खेती के बारे में, फलों में और फूलों के बारे में। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। जी हाँ जी नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम परमेश्वर सिंह। कहाँ से हैं? मैं छत्रपति संभाजीनगर। संभाजीनगर पहले औरंगाबाद था? हाँ पहले तो औरंगाबाद। महाराष्ट्र में हम गए, हर जगह शिवाजी महाराज के झंडे जोड़ते हैं, क्योंकि वो है ना हमारा भगवत माते हैं, भगवान है, उससे भी बढ़ते वो है, सब भगवान। पहले वो उसके बाद में भगवान। कितनी गाय ली इनसे? इनसे अब अपने 10 गाय। भाई हम आपको पहले बताना चाहते हैं कि इन्होंने 10 गाय इनसे ली हैं और हमको बताया है कि वो 55,000 के भाव में पूरी लाख 10 गाय, मतलब 5,50,000। दूध 20 से कम कोई भी नहीं है, 20 लीटर से लेकर के 35 लीटर तक दूध देने वाली है, आप देख लेना। हम तो वो जैसे वो सदन में बैठे थे ना विरोधी पक्ष वाले, हमने तो जो इन्होंने कहना है हमने उसको उसमें नुक्स निकालना, हमने सिर्फ गलती, तो हम तो मानते नहीं हैं, लेकिन आप जोर देखना और ये जिन्होंने खरीदी है और इनकी परख देखना। आइए पहली गाय को पाइए। हाँ जी अंकल जी, पहले इनसे पूछिए। हाँ बिल्कुल। कितना पढ़े लिखे हैं? मेरा BSc हुआ है। BSc ग्रेजुएशन किया है। जॉब वॉब भी करते हैं? जॉब तो मैंने हमारे इधर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस यानी कि MPSC में मैंने अप्लाई किया था। हाँ। तो दो तीन साल पढ़ाई किया। हाँ। उसके बाद में देखा कि नहीं ये आते हैं, तो की प्लान बना के ये करने का है। हाँ। वैसे तो मेरा खुद का कारोबार भी है। हाँ। जो अपना बीमा बात करे ना वो हाँ। पहले करते था। अच्छा खेती कितनी है? खेती 10-12 एकड़। 10-12 एकड़ तो अच्छी है। क्या होता है? पानी की दिक्कत है, पानी दिक्कत ज़्यादा है। तो क्या बोलते हैं? तो उसमें कपास। कपास कपास और ये मक्का। अच्छा तो हमको फोन आया पंडरपुर से। अच्छा किसी का? हाँ जी। तो कहते हैं अंकल जी हमारे यहाँ दूध का रेट बहुत कम है, बिल्कुल है, आप कुछ करो। मैंने कहा तो हम तो कह के तो पानी मिला दिया करो। तो कहते हैं अंकल जी पानी दूध से महंगा है। बिल्कुल है जी, महंगा कैसे मिला दें? हाँ जी अगर गंदा पानी मिलाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। सही बात है। साफ मिलाएंगे तो दूध से महंगा है, दूध से महंगा। मैंने कहा फिर तो तुम्हारी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पानी पानी का इतना ध्यान रखा उसने, दूध का कहते पानी बना तैयार करने वालों को ज्यादा मुनाफा करवा रही है किसानों से। बिल्कुल हो जाएगा, उससे बढ़िया सरकार क्या होगी। फिर तो राम का नाम ही है ना। तो हर रोज डाला करो जब आते हैं बोलो। हाँ वोट मांग उससे का दूध का रेट और कम कर दो, पानी का बढ़ा दो। ये गाय कितना दूध देगी? ये सर फर्स्ट टाइमर है, 4 दांत है और उसको अभी 10 दिन बच्चा देने में बाकी है। अच्छा। और ये पहले बात में 24-25 लीटर दूध आराम से देते हैं। पहले से होती थी? हाँ जी। तो आप कब से हैं इस काम में? मैं तो नया शुरू कर रहा हूँ। नया शुरू कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए जो हमारे घर के जो गाय है हाँ। वो 3-4 गाय मेरे घर के है हाँ। लेकिन वो ये गाय से थोड़ा कम दूध है। अच्छा। थोड़ा बोले तो बहुत ही कम है। हाँ। ये जो गाय है ये घर की गाय जो ब्रीड की गाय होती है तो सुना है कि वो बहुत भी ये देती है, दूध देती दूध देती। लेकिन हमारे गाँव के पास में किसी ने कुछ पंजाब की गाय लाई थी, वो एक गाय खरीद के मैं लेके गया और उसका दूध देता अब वो 7-8 महीने में प्रेगनेंट और उसका दूध अभी भी 5-6 लीटर निकल रहा है। अच्छा। तो उससे समझ में आ रहा हमारे फुल पीक में 7-8 से ऊपर जाती नहीं है। तो आपको लगता है 24-25 दे देगी? गारंटी है अंकल जी, बछड़ी का नीचे के अंदर क्वालिटी, थनों का गैप, ब्यूटी, चमक, हर चीज जबरदस्त है। बाकी मालिक की थोड़ा सा की है।
अंकल जी वैसे तो अकेले की बात करें तो बच्चिया है 75,000 की, लेकिन अभी हमने 55,000 के लोट में दिए। 55,000 के लोट में दिए? हाँ जी अंकल जी। अकेली? अकेली। मिली कितने की अकेली? मिली है हमारे को 4 गाय इकट्ठी ली है जी हमने, वो भी हमने वहां से 55,500 के रेट में ली है। 55,500 के रेट? हाँ, उसमें दो थोड़ी हल्की है, दो भारी थी। दो हल्की, दो भारी। हाँ, वैसे तो अकेली बछड़ी 70-75 हजार की है। बिल्कुल, अभी इसको 55 में मिली। अभी 55 में मिलेगी। थोड़ा लोग मानेंगे नहीं, कहेंगे बेवकूफ बना रहे हैं, मिलेगी नहीं? नहीं, जब हम क्यों बेवकूफ बनाएंगे, मालिक सामने है, बैंक की स्टेटमेंट मेरे फोन में पड़ी है, सब कुछ डिटेल है। बाकी हनुमान तो हानी जी, हम छाती पाट कर किसी ने आज तक दी नहीं। हमारे फार्म पे मिलती है अंकल जी, 12 महीने 24 घंटे मिलती है। दूसरा नंबर होगा, क्या दाम लगाया इसका? 55 के हिसाब से। ये भी 55? हाँ। ये दूध कितना दे देगी? उससे ज्यादा दे देगी? नहीं, इतना ही देगी। 24-25? इसने 25-26 लीटर पहले ब्याज में दे रखा है। 25 तो फिर एक आध दिन बढ़ेगी। हाँ, 27-28 तक दे देगी। तो ये भी 55 में? ये भी 55 में। मान ले, मान के सर दे ही है, मान नहीं ले, दे रखी है मैंने। मानने की तो बात, वो झूठ वाली बात हो गई, मनवा रहे आपको। एक बार बताओ। हाँ जी अंकल, तुम अभी इनको लेके दे दी। हम कहते हैं तुम 100% सही हो। बिल्कुल, लेकिन जो दूसरा रहेगा उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए भी गाय है, उसके लिए और भी 54 के हिसाब से है। बाकी सब ऐसे क्यों करते हैं? वो मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी गारंटी दे सकता हूँ, अपने फार्म की दे सकता हूँ, अपनी सेल परचेज की दे सकता हूँ, दूसरे से मेरे को कोई मतलब नहीं। कोई 50 की लेके 90 की बेचे, वो उसका काम, हर कोई अपने नसीब का काम। अब व्यापारियों को पता चल जाएगा, यहाँ वालों को तो आ जाएंगे, तुमसे ले जाएंगे। बिल्कुल सर, लेके जाते हैं। अब वो आगे 70% अंकल जी लेके भी जाते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे यहाँ से करनाल का व्यापारी मेरे खूटे से गाय लेके आके, इनके पास कम से कम 2-2.5 लीटर 2-2.5 क्विंटल दूध हो जाएगा। इनके पास सर एवरेज पकड़ लो 2 क्विंटल की। 2 क्विंटल? हाँ, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं हम करेंगे, गर्मी का टाइम है। अगर यही गाय सर्दी में होती तो ये 3 क्विंटल 2.5 क्विंटल के बीच में दूध देती, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा सर दिक्कत होती है। गर्मी जो है कि 5.5 लाख रुपया लगा करके, 6 लाख 7 लाख लगा करके, हाँ, अगर 4,000 रुपया रोजाना बनने लगे तो और क्या? बिल्कुल, अगर यही थोड़ा सा ना सर्दी पड़गी ना, यही गाय 2.5 क्विंटल दूध से प्लस में आ जाएगी। आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, गारंटी समेत। 2 लीटर 2 क्विंटल ही मानते हैं, 1 क्विंटल खर्चे में भी निकाल दो। हाँ जी, अभी भी आई जाता 3-4 हजार आराम से, 4-5 हजार रुपए बचत आ जाएगी। भाव सही हो जाएगा कभी ना कभी। भाव पता कैसा अंकल जी? भाव भी सही है, गाय भी अच्छी है, ऐसा गहना दे रखा है जी, जाने के बाद भले ही 20-20 हजार मुनाफे पे बेच ले। शर्मा जी महाराज से विनती करो कि कोई ऐसा मंत्री बना दे जो तुम लोगों के दिल का हाल पड़े। जर्सी आए? हाँ जी अंकल जी। तीसरे नंबर? तीसरे नंबर पे। पहले दाम बता दो। दाम 55,000। 55,000? हाँ जी, 55 के हिसाब से दे रखे। हम रोटी खा ले यहाँ जाकर? नहीं अंकल जी, तो आपको यहीं खिला के भेजेंगे। हमको नींद नहीं आएगी, आज ही यहीं खिला के भेजेंगे। तो ये कितना दूध दे देगी? ये दूध दे देंगे अंकल जी 25-26। कौन सी ब्याज की? ये दूसरी बार है। जो पहले दिखाई थी वो भी दूसरी बार है, और इनको दोनों को 15-15 दिन टाइम बाकी है, बिल्कुल नजदीक बच्चा देने वाली। 15 दिन ये भी नहीं बोल सकते, 6-7 महीने की दिलाई है। ऑर्डर निकाल देंगे सर, अभी भी इसके नीचे 20 लीटर की ऑर्डर तैयार है। अच्छा। हाँ, तो कितना दे देगी ये? 20? ये 25-26 तक दूध 25-26 देगी, आराम से दे देगी सर। प्योर हरियाणा की जर्सी है, लोकल, वैसी जर्सी नहीं, हमारे इधर की लोकल जर्सी। हमको 75,000 से कम लाके दिखाओ। सर जी मिल जाती है, हम दे देंगे। तुम अपना मुनाफा कम रखते हो? मुनाफा तो सर सिर्फ पैसे लगा लो, आटे में नमक होता है। व्यापार नहीं करना आता? व्यापार करना आता है जी, तभी तो गाय दिला रहे हैं। हमारे अंदर अंकल जी पीछे से माल खरीदने की तरीका है। अच्छा, हाँ। किसानों को तोड़ना कैसे है, अगले को भी, जब पता क्या है अंकल जी, ये 2,000 किलोमीटर दूर से आया है, इनका मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। इतनी दूर से हमने इनको बुलाया, हमारे मेहमान है ये। बच्चिया की क्या तारीफ करोगे? इसकी तो जितनी तारीफ करें अंकल जी उतनी कम है, हर चीज में बच्चिया मुहूर्त है। कितना समय बाकी? ये अंकल जी 7 महीने की प्रेग्नेंट है, 2-4 दिन ऊपर, 2 महीना बाकी। 2 महीना? हाँ जी। क्या रहे इसकी माँ का हिसाब? इसकी माँ सर दूसरे ब्यात में 34-35 लीटर दूध दिया है। ये भी इतना निकालेगी? ये आराम से सर, इस ब्यात में बता रही है 25+ दूध निकाल दी, निकाल दी आराम से। ये भी नॉर्मल सेवा का है, अगर हरियाणा की कोई सेवा हो तो बढ़िया ट्रांजेक्शन। ये भी 55 में है जी। तो आपने हमारा प्रोग्राम देखा वहाँ? हाँ। कैसा लगता है, क्या मिलता है उससे? बहुत ज्ञान मिलता है, जो गाय पे काम करना है वो
आपका चैनल देखा तो उसमें से गुड़िया भी थी कि नहीं होगा ये जो आपने सही बताया था जी जैसा काम करने में आदमी के जो समझो कुछ ये होगा निगेटिव होगा तो आपकी वीडियो देखने से फिर से पॉजिटिव हो जाता है एनर्जी आ जाती है एनर्जी आ जाती है और ये आपकी वीडियो एनर्जी ला देगी लोगों में या इस वीडियो को तीन लोग सच मानेंगे या तो तुम सच मानोगे जिसने खरीदवाई है या जिन्होंने पैसे दिए वो सच मानेंगे सारी गाय एक समान नहीं है इसमें हल्की गाय भी है तो वो तो ठीक है मान लीजिए हाँ जी अगर इसमें पांच भी हल्की होगी तब भी अंकल जी मिल जाती है कोई बड़ी बात नहीं इस टाइम थोड़ा सा रेट मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था 15,000-10,000 रेट कम है हाँ जी अंकल 1921 है उससे हाँ जी उससे थोड़ी ये अदंत है जी वो दो दांत इतनी खूबसूरती नहीं है ये दूध दांत में हाँ ये दूध दांत में ये थोड़ा काला प्रिंट आ गया वो व्हाइट ब्यूटी है उससे छोटी है उससे छोटी अंकल जी ये कितना दूध दे देगी ये भी दूध दे देगी 24-25 तक ये भी दे देगी 24-25 ये आराम दे दे ये भी 55 में ये भी 55 में कितनी दिखा चुके अब तक जी हम पांचवी ही थी ये पांच हाँ पांच नंबर की थी अब अगर इसमें कम में भी अगर आगे आ जाएगी ना हाँ जी तब भी वो कोई घाटे वाला सौदा नहीं इन गायों में कोई घाटा नहीं अंकल जी ये तो बिल्कुल भाई साहब की किस्मत लगा लो ये सब अपना नसीब लेके आता है यहाँ पर अच्छा। कोई वो नहीं है भाई इनकी किस्मत में इनको मिल गई अंकल नहीं अच्छा। ये संभाल लेंगे 90% तो संभालने के चांसेस के हाँ ये बोला है जो उधर की महाराष्ट्र की गाय है ना वो निकाल देंगे हाँ जी अंकल जी तुम तो ये बोल रहे थे बीच में हल्की है बहुत तो छह नंबर छह तक तो आ गई अच्छी ये थोड़ी क्रॉस की है जी बाकी जितनी भी है अच्छी बची है तेल लगा एक % भी नहीं तेल तो कभी गायों को लगाया नहीं जम जाती है ब्यूटी है जिसके अंदर तेल नहीं लगाया नहीं बिल्कुल शैम्पू लगाया बस जो इसकी शाइनिंग है जी सब सुबह नहलाई जरूर पहले जिस दिन कहीं उतर किसी से लेते थे नहीं नहीं बस अब की अपनी एक ब्यूटी स्किन होती है जी कितना दूध दे देगी दूध दे देगी 20-22 लीटर छह प्लेयर अगर अच्छे हो ना बैट्समैन तो मैच जिता देते हाँ जी बिल्कुल मैच तो जीत गए जी जीत गए हाँ जी मैच तो जीत रहे हैं हम जाएंगे फिर इनसे मिलने के बिल्कुल जाओ जी हैं बिल्कुल जाओ तो ये तो 15-20 दिन के बाद आ जाएगी इसमें से मोस्टली गाय दूध पे आराम से जाना कितना दूध दे देगी ये 20-22 तक दे देगी 20-22 हाँ जी 55,000 20-22 हाँ जी ये अगली है हाँ जी सातवें नंबर की हाँ जी कितना दे देगी दूध ये भी 18-20 की है ये भी 18-20 हाँ जी सात हो हाँ जी तो वो तुम जो कह रहे थे कि बहुत हल्की भी आएंगी यही लगी जी मार्के तो हल्की सी तो ये भी 18-20 वाली है हाँ जी और ये ऐसा लगता है जो दूध किसी सीमन का नहीं पता जी किसान के घर की है किसान कभी सारी किसान की है हाँ सारे किसान की कभी पीछे गाय कोई किसान की है सब टोटली किसान जर्सी सब किसान की झूठ वाला काम तो अंकल जी पड़ा तुमको कुछ भी नहीं हम सुबह निकले थे घर से 10 बजे के आसपास और शाम को हम 4 बजे खरीदी कंप्लीट करके अपने घर पे आ गए थे एक दिन कहाँ 10 से लगा लो 4 बजे तक इसको जो 3-4 दिन ले घूमते रहते वो तो जी फिर तो उनकी अपनी बात नहीं मलाई मोटी खाते हो गए ना अपना दूध दूध पीते मलाई मोटी तो अगला खा लेगा जाके ये दे दे हमको तो ये लग रहा है कि 20 ऊपर वाली है ये इसने जी ये देखी हुई है अपनी इसने 15-16-17 तक पिछले ग्राहक में दिया हुआ है अच्छा हाँ मैंने देखी हुई है जी 18-20 तक दे देगी थोड़ी सी ब्यूटी नहीं है तो गाय की कैपेसिटी भी हो जाती है माथे से तो ब्रीड लग रही है हाँ ब्रीड तो अच्छी है जी किसान के घर की बच्ची है दूसरी बार बच्चा देना इसको हाँ जी अंकल जी क्या पेट में भूसा भरा है थोड़ा बड़े से पेट की है जी बड़ा पेट है इतना तो है नहीं कुछ तो प्रेग्नेंट नजदीक बच्चा देने वाली है 15 दिन है जी हाँ जी अंकल जी कौन सी ब्याह थी ये तीसरे ब्याह तीसरे हाँ जी अंकल जी दूसरे हमसे एक फोन आया ना वो कहते कि अंकल जी सारी दूसरे ब्याह की बताते हैं लोग तो तीसरे चौथे की कहाँ जाती है वो किसानों के पास ही है मैंने कहा वो तुम ले गए थे पहले नहीं पहले जो जो पसंद करेगा वही उसको ढूंढ के ले गए ना बिल्कुल मैं आपको बात बताऊँ जी अंकल जी पहले दूसरे गाय की ब्यात की गाय किसान जो बेचता है ना उसको एक तो पैसा अच्छा मिल जाता है और जो उनकी वो पुरानी गाय होती है ना वो दूध तो देती रहती है उनसे वो बच्चे लेते रहते हैं
ये किसान करते हैं। और भैंस का जो होता है, भैंस किसान लोग प्राणी बेचते हैं, नई झोटियां घर पे रखते हैं। गाय में थोड़ा उल्टा करते हैं, जो पुरानी गाय है ना अपनी ब्रीड, उनको घर पे रखते हैं, उनके बच्चे सेल करते हैं। उनमें खरीदने वाले तो कम ब्याज की पसंद करते हैं ना। पता क्या जी अंकल जी, हमारे पास जो बिक्री है वो पहले दूसरे तीसरे ब्याज की गाय की बिक्री है। अब अपने फार्म पे चौथे पांचवे छठे ब्याज की गाय दिखाई कौन लेगा? ये कितना दूध दे देगी अंकल जी? ये दूध दे देगी 20 किलो आराम से दे देगी। हाँ जी अंकल। वैसे अकेली कितने की है? अकेली होगी जी 45-48 हजार की। और कम की? हाँ कम की। तो ये कम मतलब बॉडी का हिसाब? बॉडी का हिसाब नहीं है जी, गाय थोड़ी ग्रोस की है, एक पेट थोड़ा बड़ा जो बता रहे हो, ब्रीड इतनी अच्छी। दूर जाने में परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है जी, नहीं कोई परेशानी नहीं जी। खुली 10 गाय जाएगी, बड़ी गाड़ी कर रखी है और अपना 500 किलोमीटर पे स्टॉप लेगी। इनके साथ में हमने पूरा मेडिसिन भी दे रखा है, आपको दिखा भी देंगे। कैलप जेल दे रखा है जी, लीवर टॉनिक दे रखा है, उसका बुखार का टिक्का दे रखा है एक साथ में, और अपना गोलियां दे रखी है बुखार की। ये सब चीजें हमने दे रखी है जो मतलब की इमरजेंसी के लिए जो पशु को चाहिए। थोड़ा सा प्रॉपर ट्रीटमेंट तो दे नहीं सकते हम। बच्चा सही सलामत रहे पेट में? हाँ वो तो इनके लिए पता क्या, जो 15 दिन कच्चे उनको तो हमने ठंडा टिक्का लगाया नहीं, डूराप्रोजन। जो गाय जैसे फर्स्ट टाइमर है, एक एक महीना कच्ची है या 7 महीने की, उनको डूराप्रोजन दे दिया है, कल कस्टमर के सामने दे दिया था। हाँ जी ये नजदीक है जी, अब तक 10 दिन बाकी है इसको। ब्याह दूसरे है जी, पतली चमड़ी बिल्कुल पतली। हाँ कह सकते हैं जी बिल्कुल, थोड़ा हाँ 15%। ज्यादातर गुजरात वाले ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ गुजराती छोटी 20 वर्ष दूध वाले। हाँ महाराष्ट्र वाले भी लेते हैं जी, सबकी एक जैसे नया किसान है इसके लिए तो ये एक समझो गिफ्ट है जी, गोड गिफ्ट। जिसे नया काम शुरू करना है उसके लिए ये सारी गाय बहुत बढ़िया है। सारी गाय गोड गिफ्ट है जी। हाँ ना तो इनमें कोई बीमारी आएगी, दूध बढ़िया देगी, फैट बढ़िया निकलेगा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा जी। कितना दे देगी ये? दे देगी अंकल जी 22-24 तक भी दे देगी। 24 तक? हाँ जी। हाँ दाम 55? वैसे अकेली है कितने? माल का माल, जितने का मोल उतने का माल। उतने की? हाँ जी। 10वें नंबर? हाँ जी। लॉट में आखिरी? आखिरी है जी। बछिया है? हाँ जी। चार दांत? चार दांत हो? हाँ जी। ब्याह आने वाली? इसको 1 महीना पेंडिंग है। तो ऑर्डर तो अभी बढ़िया निकाल दी? हाँ जी बहुत अच्छा। कितना दूध दे देगी? ये दे देगी अंकल जी 22-23 लीटर ऊपर दे देगी आराम से। 55,000? हाँ जी। तो अब तुम हमें ये बताओ वो कहाँ कम वाली कहाँ गई थी? यही तो थी जी। बढ़िया बहुत अच्छा है इनके पास। हाँ पहली बार है। इससे पहले कभी नहीं? हरियाणा पहली बार है। किसने बताया कि इनके पास जाओ? यूट्यूब पे देखा। आए तो अच्छा ही रहा। घर वाले तारीफ करेंगे तुम्हें? शादी हो गई? तो बता दिया पूरी गाय खरीद ली? पूरे गाय को खुश हो गए? गाय देख के हम आएंगे देखने के लिए जरूर। आप रुकेंगे भी? हाँ। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।